हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट वाली कन्या में। और मेरा नाम श्रद्धा गीता देशपांडे, फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। आज इतनी मस्त बारिश हो रही थी, मतलब आज का मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत सुहाना था, एकदम ठंडा सा महसूस हो रहा था। मतलब देखो, आप मेरे गैलरी गार्डन में जो जितने भी पौधे हैं बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे। वो जो बाहर का मौसम था, पूरे काले बादल और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी, और उसी बादल की वजह से, मतलब उसी बादल और उसी बारिश की वजह से वो आज इतने अच्छे दिख रहे थे। और आप बाहर देख रहे होंगे कितना कितना मौसम ख़राब हो चुका है। मतलब था 15 मिनट के लिए वो बारिश आई और चली गई, पर मौसम ऐसा ही हो रहा था। और हर जगह मतलब आंधी तूफान जैसी हवा चल रही थी, जहाँ से भी देख रही थी मैं, सिर्फ हवा ही हवा चल रही थी। और कीर्तन चल रहे थे मंदिर में, तो उसकी आवाज़ चल रही थी। आज सोचा मैंने थोड़ा सा ब्लॉग कर लूँ, क्योंकि इतनी मतलब हमने सोचा था कि मार्च के लास्ट वीक में अपना ये गर्मी शुरू होगी, पर ये फरवरी के लास्ट वीक में ही ऐसी गर्मी शुरू हुई कि फरवरी मार्च अप्रैल तक इतनी गर्मी है। मतलब हर रोज़ 38 to 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और इतनी धूप रहती, इतनी कड़ी धूप, उसकी वजह से हर किसी को, मतलब जितनी भी जनता है बाहर, जितने भी घूमते हैं, उनको हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो उससे राहत मिलने के लिए आज बारिश हुई, और ज़्यादा देर नहीं हुई, 15-20 मिनट हुई। तो ये तो सिर्फ हवा का झोंका है। मतलब पहले थोड़ी सी आंधी तूफान हुआ, फिर बाद में ये सब हुआ। पर मौसम बहुत अच्छा हुआ था। मैं कब से ये कैप्चर कर रही थी, आप देख रहे होंगे एक साइड में रोशनी है और एक साइड में काले बादल हैं। मतलब एक साइड से मौसम खुला हुआ था और एक साइड से पैक हो चुका था, तो दोनों साइड से, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ था, धूप छा हुआ था, एक साइड से रोशनी आ रही, एक साइड से पूरे काले बादल, और लोग घूम रहे थे मस्त से। मुझे तो लग रहा था ये नीचे जो आइलैंड है ना, उस पर बेड डाल के सो जाओ। और ये मेरे सबसे फेवरेट फूल है, सोनचाफा बोलते हैं उसे मराठी में, और बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो मुझे लगता है कि वो उसके पास ही कहीं तो भी सो जाओ। और देखो कितना, मतलब मैं फोकस लगा रही हूँ इसलिए वो रोशनी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आ रही है, पर एक्चुअल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एंजॉय कीजिए आगे का व्लॉग। गरज तो कितने रहे थे बादल, देखो बिजली भी कड़क रही थी, चमक रही थी, डर लग रहा था उससे, पर बारिश ही नहीं हुई। Thank you.
हमारी प्यारी सी तुलसी है। देखो कितनी हरी भरी हो गई, इतनी हरी भरी है, इसका मतलब मम्मी भी वहाँ पे खुश है जहाँ पर वो है। और ये मिर्ची का पेड़ है, आज अभी तक 15 से 20 मिर्चियाँ आकर गई। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले टमाटर का दिखाया था पेड़, उस पर 3 टमाटर आके गए। और ये है नींबू का पेड़, मतलब छोटा सा ही है। जब हम अपने घर में जाएंगे ना तो उसको बड़े टब में लगाएंगे, बड़े गमले में लगाएंगे, तब उसको नींबू आने शुरू होंगे। और ये है जैस्मिन का, इसको अभी 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 आ रहे हैं, देखा जाए तो अभी आ रहे, कब के आ जाने चाहिए थे इसको कलिया और फूल। और अभी तेज़ हवा, पूरी तेज़ हवा छूट रखी है, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं, अभी आ रही है बारिश हवा के साथ साथ। देखो 8 मिनट से मैं वीडियो बना रही हूँ, तब भी बारिश नहीं आई, अब भी बारिश आ रही है। अरे यार क्या यार, फाइनली आज बारिश हो रही है। बिजली भी कड़क रही है, ऊपर से बादल भी गरज रहे हैं, तो आज जम के बारिश होगी। बताया तो था कि 7 बजे तक ही बारिश होगी, पर देखते हैं अभी कब तक होती है। मिट्टी की खुशबू, और स्पेशली जो दो तीन दिन से भी नहीं, ये पूरा महीना, ओह माय गॉड, तुम क्यों मेरा फ़ोटो खींच रहे हो? 2-3 दिन से कितना बड़ा था वो बहुत जोर से था, हाय मेरा दिल। और ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, हर जगह पर मैं देख रही हूँ, मतलब जहाँ पर भी मुझे लाइट दिख रही है वो ऐसे बंद चालू हो रही है, पता नहीं क्यों। ऊपर भी देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो, अभी देखो अब बंद हो गया उसका, ये वाली बिल्डिंग में। और इस वाली बिल्डिंग में भी पैसेज में जो लाइट लगी है यहाँ पर, वहाँ पर भी बंद चालू हो रही है। बस एक बार और फोटो खींच दो, खिंचा दो। थैंक यू मम्मा बारिश के लिए। पेड़ ही ऊपर देखो, ये हमारी गैलरी, बहुत बड़ी गैलरी है। ये हमारा एलोवेरा है, बहुत बड़ा है। मिट्टी की खुशबू बहुत ही क्यूट लग रहा है यार, बस एक बार और आ जाए बिजली। जितने भी ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे लोग रहते हैं ना, उनको तो अच्छा ही दिखता होगा ये सब कुछ। ये अंधेरा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है, तभी मैं फोकस लगा कर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना अंधेरा हो गया। अभी शाम के 6:29 हुए हैं, मतलब लगभग 6:30 होने को आ रहे, नहीं तो हमेशा इसी वक्त पर बहुत रोशनी होती है, बहुत धूप होती है। और
ओले तो नहीं गिर रहे? लग तो ऐसे ही रहा है, आवाज़ भी वैसी आ रही है। ओले गिरे, ओले ओले ओले। ओले गिरोगे तो मस्त लगेगा यार। मम्मी और जोर से। हाँ, बड़ा सुकून सा लग रहा है, बहुत सुकून फील कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्च अप्रैल से, जैसे मतलब मार्च लास्ट वीक से वहाँ पे, मतलब यहाँ पर ये शुरू होना चाहिए, धूप गर्मी के दिन शुरू होने चाहिए थे, मतलब लास्ट वीक में। ये तो मार्च के फरवरी के फर्स्ट वीक से ही, मतलब मिडल वीक से ही यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई। इतनी गर्मी होती है, मतलब अभी तक का जो मतलब टेम्परेचर होता है वो 38-39 डिग्री सेल्सियस रोज़ होता है। हीट वेव्स इतनी है कि हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत हो रही है। तो देखो आप कितनी गर्मी है। सॉरी मेरी आवाज़ कम आ रही होगी बारिश की वजह से, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सारा से इतना लाइट आ रहा है भाई, इधर से लाइट। देखो बहुत अंधेरा हो चुका है, वैसे तो हमें बाहर जाना था पर मुझे पता था आज बारिश होने वाली है तो नहीं गए। यहाँ पे रोशनी है और यहाँ पे अंधेरा, यहाँ पे पूरा अंधेरा है यहाँ तक। यहाँ देखोगे तो आप बहुत रोशनी, मतलब यहाँ पे बादल ही नहीं लगे, पूरा पूरा खाली है। और इस साइड में देखोगे बहुत सारे बादल हैं, और इसी साइड में बादल गरज रहे और बिजली कड़क रही है, चमक भी रही है। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, पर मैं आज बारिश हो रही है इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं नीचे नीचे बेड डाल के ना सो जाऊँ बारिश में। रोज़ का प्रॉब्लम है यार, बहुत गर्मी होती है। कूलर लगाओ तो भी गर्मी होती है, फ़ैन लगाओ तो भी गर्मी होती है, करे तो क्या करे इंसान। बादल कितने क्यूट है, जहाँ से रोशनी आ रही है ऐसा लग रहा है कोई तो भी इंसान बैठा है ना, इंसान का चेहरा नजर आ रहा है। और ये फोकस क्यों नहीं ले पा रहा, थोड़े थोड़े से देखो अभी इधर आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े थोड़े से नीले नीला आकाश भी नज़र आ रहा होगा पीछे से थोड़ा सा। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में विदर्भ साइड और मराठवाड़ा साइड बहुत बारिश हो रही है, यहाँ पे तो एक बूंद भी नहीं गिरी। आज नसीब से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल ही मैंने मम्मी को बोला था कि यहाँ पर बारिश ला दो मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है। रात को भी हम जब रात को वॉक करने जाते तो बहुत गर्मी होती है। अब अच्छा लगेगा, आज रात को वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं पता, ये कुछ यहाँ पे यहाँ पर नीला आकाश नजर आ रहा है।
दीदी के रूम से दिखाती, पर वो सो रही है अभी, वो उसके रूम में जा नहीं सकती। देख तो बहुत क्यूट सा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अभी देखो बादल गरजने वाले हैं, और थोड़ा और व्लॉग करूँगी अगर ज़्यादा देर तक बारिश हुई तो, वरना नहीं। मेरी बहन भी आ गई इधर से, बहुत ज़्यादा। अरे भाई धक्का मत दो, मेरा ये चला जाएगा। उधर देखो सामने आधा नीला आकाश, बाकी सब कुछ ये, और इधर पूरा डार्क है। होगा बारिश है ना, हवा नहीं आ रही है ना, इसलिए मिट्टी की तो खुशबू आ रही है ना, वो अच्छा लग रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। उतना भी बहुत है बाबा, वो खुशबू भी बहुत सुकून देके जा रही है। मुझे कुछ याद आ रहा है, इसको कविता सी याद आ रही है, मैं लिखूंगी अभी। सुकून पर सुकून, ठीक है थोड़ी देर में आपसे वापस मिलती हूँ, मतलब मैं व्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, तो मैं वापस मिलूँगी। ओके देखती हूँ कब तक। अरे यार ये रोशनी यहाँ तक आ रही है, अभी अंधेरा चलेगा यार, इधर तक आ रही है अभी ये, मतलब ये पूरे इधर से उस साइड जाएंगे, मुंबई में जाएंगे। मत जाओ ना, खुल रहा है मौसम, बादल भी निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। ये कौन है बताना तो, ये कौन है, ये क्या दिख रहा है, ये किसकी परछाई नज़र आ रही है यार। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, रात हो गई इसलिए। ये वाली जो है ना, ये परछाई किसकी है बताना। क्या नज़र आ रहा है आप बताओ उसको, ये वाला, ये एक तो ड्रैगन, नहीं तो डॉगी कुछ तो है, कितना क्यूट है। हवा भी तो नहीं छूट रही है ना, हवा भी छूटे थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा, फिर तो फिर बारिश चली जाएगी। दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए, ठंडा ठंडा महसूस हो। चलो बाय डॉगी, इतना तो अंधेरा हो चुका है, वो फोकस की वजह से इतना लाइट दिख रहा है ना आपको, इतना अंधेरा है। देखो बहुत अंधेरा है, मैं कब से यहीं पे खड़ी हूँ। और एक क्राउन तैयार हो गया। क्या क्या तैयार होता है यार बादलों में, भी क्राउन ही नजर आ रहा है एकदम, और कोई तो भी उसे अपने मुंह में ले रहा है ऐसा लग रहा है, नहीं तो मुंह से कोई तो धुआं निकल रहा है। देखो सही नजर आ रहा है यार, क्या है आप तो फोकस ही नहीं हो रहा। थोड़ी सी हवा चल रही है अभी, इतना गीला नहीं हुआ, इतने रोड गीले नहीं हुए जितने होने चाहिए। यार शाम हो गई तो फोकस चला गया फोन का, गलत बात है।